मध्य प्रदेश के भिंड में एक आईएएस अफसर की दबंगई सामने आई है। अफसर फिल्म स्टाइल में गाड़ी से उतरते हैं, बिना कुछ कहे फुटपाथ पर बैठे व्यापारियों और ठेले वालों का सामान फेंकना शुरू कर देते हैं। अफसर का यह अजीब बर्ताव देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं। जिले के लाहार एसडीएम केवी विवेक पिछले कई दिनों से सड़क पर हाथ ठेला सामान रखकर व्यापार करने वालों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। मुहिम ठंडी पड़ते ही ठेला व्यापारी सड़क पर आकर जमा हो गए। वहीं बुधवार शाम को एसडीएम दौरे पर निकले, दुकानदारों का सामान सड़क पर रखा देख वो भड़क गए। गाड़ी से उतरे और सड़क पर हाथ ठेला वालों का सामान फेंकने लगे। व्यापारियों का कहना है कि एसडीएम के पास नगर पालिका का अमला है, पुलिस बल है, कानूनी तौर पर कार्रवाई ठीक है, लेकिन एसडीएम के द्वारा सड़क पर फुटपाथियों का सामान फेंक कर तोड़फोड़ करना गलत है। ऐसा करके एसडीएम स्वयं की छवि दबंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में एसडीएम विवेक ने कहा कि ठेले वालों को दूसरी जगह चिन्हित कर दी गई थी। इसके बाद अस्पताल के गेट के बाहर ठेले लगाने से एम्बुलेंस फंस जाती थी, इसलिए खुद सड़क पर उतरना पड़ा। सबसे बड़ी इशू है कि हॉस्पिटल उसके आसपास पड़ता है और लोहिया चौक बहुत ही एक बॉटलनेक है रोड का, तो एम्बुलेंस वहाँ फंस जाती है। तो मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ से हटा दो ठेले सब, तो हमने ठेलों के लिए एक नया जगह बना के वहाँ पे उनका जगह आरक्षित भी किया है, वहाँ ठेले लगने लग गए हैं। तो मैं जब 15 दिन छुट्टी चले गए तो सब वापस आ गई यहाँ यहीं पर। तो 2 दिन पहले मैं जाके फिर से बोला था कि आप हट जाओ वरना कार्रवाई होगी आप पे, तो आज भी नहीं हटे, कल भी नहीं हटे, परसों भी कोई एक्शन नहीं, कोई उन्होंने काम नहीं किया, तो आज भी।